हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। अगर आप ये सोच रहे हैं कि घर पर कैलेंडुला प्लांट कैसे लगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसे सीड से उगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे नर्सरी से बाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैंने इस पौधे को नर्सरी से बाई किया है मात्र 15 रुपये। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह पौधा एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका वैज्ञानिक नाम कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस। इस पौधे को पॉट मैरीगोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या साल भर ठंड पड़ती है, उन क्षेत्रों में ये पौधा सबसे अच्छा ग्रो करता है। इसे नर्सरी से ख़रीदने का सबसे अच्छा समय नवंबर होता है, या अक्टूबर नवंबर में आप ला सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मौसम हल्की हल्की ठंड वाला हो जाता है। वो सबसे सही समय है जब आप इसे नर्सरी से बाई करिए। आप इसको ऐसे घर में, ऐसे प्लेस पर रखिए जहाँ पर ठंड में 3 से 4 घंटे की धूप आती, और वहाँ पर ये अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा और ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। समर सीज़न इसके लिए डॉर्मेसी पीरियड होता है, और समर सीज़न में जो ब्राइट लाइट होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर में इसकी लीव जो है वो सूख जाती हैं और अच्छी तरीके से आपका प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है। तो आप समर सीज़न में इसे बचा कर रखिए ब्राइट लाइट से, डायरेक्ट सनलाइट जो आती है आप उससे इसको बचाइए। उस टाइम आप घर में इसको उस प्लेस पर रखिए जहां पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, या अगर आती भी है तो सुबह की 1 घंटे की धूप में ये सर्वाइव कर लेगा। लेकिन दिन भर की जो धूप होती है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक के, उस धूप में ये सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो आपको ऐसा ही इन्वायरमेंट अपने पौधे के लिए चूज़ करना है। ये प्लांट सिर्फ अपने खूबसूरत फूलों के लिए नहीं, बल्कि जड़ी बूटी के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। अगर आप अपने घर में इस फूल वाले पौधे को उगाना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। आज मैं आपसे पूरी जानकारी इस पौधे से रिलेटेड शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ को अपने चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ, और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियोस पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ये पौधा अपने खूबसूरत फूलों से हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाने का काम करता है। इसमें पीले, नारंगी, लाल, सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल आते रहते हैं, तो बहुत सारी इसकी वेराइटीज़ आती हैं। अलग अलग वैरायटी में अलग अलग तरीके से फ्लावरिंग इसमें होती रहती है। इसे लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, एक बहुत ही अच्छी मिट्टी का चुनाव करना पड़ेगा आपको इसके लिए। देखिए दोस्तों, इसे लगाने के लिए मैंने 35% नॉर्मल गार्डन सॉयल लिया है, और 35% इसी में मैंने कंपोस्ट मिला लिया है। तो ये 70% जो सॉयल मिक्स आप देख रहे हैं, ये दो चीज़ों का मिक्सचर है जो इसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगी इसके फ्लावरिंग के लिए और इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैंने लगभग 20% ये रेत का इस्तेमाल किया है, और इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने का काम करता है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैंने 5% चावल की जो भूसी होती है उसका इस्तेमाल किया है। इसमें मॉइस्चर को बनाए रखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। आप इसके स्थान पर कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में देखिए दोस्तों, ये मैं 5% लगभग टी लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। टी लीफ कंपोस्ट इसे मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आप घर पर ही टी लीफ कंपोस्ट बनाना चाह रहे हैं तो मैंने पहले ही अपने चैनल पर इसकी वीडियो पोस्ट कर दी है। आप मेरे चैनल को विज़िट करके इसे बनाना सीख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा कि ये मिट्टी को स्लाइटली एसिडिक बनाता है। इसके अलावा फ्लावरिंग के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो प्रॉपर फ्लावरिंग इससे होगी। और साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी को जो स्लाइटली एसिडिक बनाता है, कैलेंडुला का प्लांट यानी 6.6 पीएच वाली मिट्टी सबसे ज़्यादा पसंद आती है, और वो ऐसे पीएच वाली मिट्टी में सबसे अच्छी ग्रोथ शो करता है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अपनी सॉयल को थोड़ा सा फंगस फ्री बनाना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये मेरे पास एक फंजीसाइड अवेलेबल है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी सॉयल मिक्स को मैं फंगस फ्री बनाने के लिए लगभग मैं 1 चम्मच इस फंजीसाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इतना सा अमाउंट सॉयल मिक्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अपने पौधे की प्रॉपर ग्रोथ चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से
पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो आपको ऐसी सॉयल मिक्स बनाना ज़रूरी होगा। ओके दोस्तों, ये मेरी सॉयल मिक्स दोस्तों एकदम रेडी हो गई है। तो इस पौधे को देखिए, या तो आप इसको ऐसे ही इस पन्नी को खींच करके निकाल सकते हैं, दो मेथड हैं इसको निकालने के। अगर आप चाहें तो इस पन्नी को इस तरीके से खींच लीजिए ऐसे, और आप इस पन्नी का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने देखिए ये पौधा अपना निकाल लिया है, देखिए कितनी अच्छी है, प्रॉपर इसमें जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो अब इसके लिए अगला स्टेप जो दोस्तों है वो है पॉट का चुनाव। दोस्तों मैं अपने इस पौधे को लगाने के लिए ये 6 इंच का गमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसकी जगह पे 12 इंच का गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से 6 इंच का गमला इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए सफिशियंट है। अगर आप 12 इंच का गमला इस्तेमाल करते हैं तो टू गुड टू बेटर, बहुत सही रहेगा इसके लिए। तो मेरे पास ये अवेलेबल है, मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके ड्रेन होल को कवर करने के लिए कुछ पत्थर के टुकड़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरीके से जो इसी बजरी में निकलते हैं मोटे मोटे से, मैंने इनको भर लिया है ताकि मिट्टी बहे ना, और ये मिट्टी को बहने से रोकने का काम करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं जो मैंने सॉयल मिक्स तैयार की है, इस सॉयल मिक्स को पूरी तरीके से इसमें भर लिया जाएगा, लगभग 70%। इतना मैंने देखिए भरा है पहले, जो मिट्टी इसमें पहले से लगी हुई है, आप अगर चाहें तो इसकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊपर से इस तरीके से हटा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हटा सकते हैं, नीचे से बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से ही इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप हटा सकते हैं, क्योंकि नीचे इसकी रूट डिस्टर्ब हो जाएंगी, और आप ऊपर इस तरीके से इसको हटा दीजिए। और फिर मैं इस पौधे को इस तरीके से मैं इसमें अपने इस पॉट में इसको शिफ्ट कर दूंगा, और फिर इसी मिट्टी से जो मैंने मिट्टी बनाई है, इसी मिट्टी से इसको आपको फिलअप कर देना है ऊपर तक के। देखिए दोस्तों, आज मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है नर्सरी से ला करके, तो आज मैं इसको शेडी एरिया में रखूँगा। आपको एक बात का ख्याल ये रखना है कि आपको घर के उस पोर्शन में इसको रखना है जहाँ पर इसको लगभग 3-4 घंटे की धूप मिल जाए, ताकि इसमें प्रॉपर फ्लावरिंग हो सके। फ्लावरिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपको इसको प्रॉपर सनलाइट में रखना पड़ेगा। मैं अपने इस पौधे को लगा रहा हूँ, तो आज मुझे इस पौधे को प्रॉपर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से भर के पानी देना है, और इसके बाद आपको पानी तभी देना है जब आपका गमला ये सूखा नज़र आए। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे और पानी इसमें भर जाएगा, तो भरा हुआ पानी इसकी जड़ों को सड़ा सकता है, ख़राब कर सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि मिट्टी में पानी तभी डालें जब आपको गमला सूखा नज़र आए। आप मिट्टी को इस तरीके से खोद कर देख सकते हैं, अगर 1 से 2 इंच आपको सूखा नज़र आए तभी आप पानी डालिए, अन्यथा पानी डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए जो मैंने मिट्टी यूज़ किया है वो वेल ड्रेन है, यहीं से आपको दिख रहा है, देखिए बिल्कुल भी पानी इसमें बचा नहीं है, जितना पानी मैंने डाला था वो सारा का सारा पानी नीचे चला गया है। तो मिट्टी इसी तरीके से आपको यूज़ करना है जो वेल ड्रेन सॉइल। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन कैलेंडुला प्लांट से रिलेटेड जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक के पहुँचाई गई है वो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, बाय बाय।